कि ये रेप राजस्थान में इसलिए होते हैं और हंस करके कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि राजस्थान के ऐसे राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के घर वाले लोग, परिवार के लोग रेप कर रहे हैं। प्रयास कर रहा हूँ कि शीघ्र उसका समाधान हो जाए। मैंने हरियाणा सरकार के साथ में भी बैठकें की है, उनको अल्टरनेटिव प्रपोजल्स भी दिए कि पैसा मैं दूंगा, आप अग्निकुंड बैराज पर एक बांध बना दीजिए ताकि हमको निरंतर उसके जो है हमारे हिस्से का पानी मिलता रहे, और उस बांध के लिए पूरा पैसा जो है मैं भारत सरकार से दूंगा, एक भी पैसा हरियाणा की सरकार को खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ताकि मेरे झुंझुनू सीकर की धरती को, हमारे टावर प्रणाम में गांव में आता सीकर में, मारवाड़ आता है सीकर में, देखता जो एक सब बांध पानी बाल्टी खींच सकता, आज पानी 200 फुट तक पानी अवेलेबल है। जहाँ आम के बगीचे हुआ करते थे वहां भैंस पिलाने के लिए भी पानी टैंकर से मंगाना पड़ता। उस परिस्थिति को समाप्त करने के लिए आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी तरह से प्राण की ऊर्जा से जुटा हुआ हूँ। न्यायालय में विषय इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था करूंगा कि आपकी इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाए, यहाँ झुंझुनू के खेतों में भी, सीकर और चूरू के खेतों में भी पानी मिले और पीने का शुद्ध पानी हर घर तक जो है वो जायका की स्कीम से वहां से नहीं लाना पड़े, सीधा हमारे हक हिस्से का पानी हमारे यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर ये सरकार की प्रायोरिटी कानून व्यवस्था बनाने के बजाय, और जब मैं सरकार रह कह रहा हूँ तो सरकार के मुखिया की प्राथमिकता कानून व्यवस्था, और सरकार के मुखिया क्योंकि गृह मंत्रालय के मंत्री भी हैं तो उनकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय कुर्सी को बचाने और कुर्सी पर बने रहने को प्राथमिकता दी, उसके चलते आज राजस्थान अपराध का केंद्र बन गया, राजस्थान माफिया के हवाले, राजस्थान में नित्य प्रतिदिन कोई न कोई भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही है, राजस्थान में हर 3-4 घंटे में एक बलात्कार की घटना रजिस्टर होती है, राजस्थान जैसी संस्कृति की धरती, राजस्थान जैसी धर्म की धरती, राजस्थान की मीरा की धरती, राजस्थान जैसी पन्नाधाय की धरती, राजस्थान जैसी आड़ी रानी की धरती, राजस्थान जैसी कर्माबाई की धरती, वो धरती आज देश में देश की रेप कैपिटल बन गई है। और भी दुर्भाग्य इसलिए लगता है कि जब राजस्थान का सबसे वरिष्ठ मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे विधानसभा के पटल पर ये कहता है कि ये रेप राजस्थान में इसलिए होते हैं और हंस करके कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मुझे लगता है कि राजस्थान के ऐसे सारे शहीद जिन्होंने हजारों हजारों साल के इतिहास में अपनी मर्दानगी का परिचय देते हुए इस देश के इस सनातन संस्कृति के मानविंदुओं को बचाने के लिए समर्पण किया, अपनी जवानी समर्पित की, उसका इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता था। और उससे भी ज़्यादा राजस्थान के परिवारजनों का, राजस्थान में जो है जिस तरह की संस्कृति है, परिवार भाव से लोग रहते हैं, उनका अपमान करते हुए मुख्यमंत्री कहता है कि राजस्थान में रेप ज़्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के घर वाले लोग, परिवार के लोग रेप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता हो सकता। लेकिन राजस्थान की जनता उंगली के जो है टपोरों पर एक एक दिन गिन रही है, समय आने दीजिए, इन सब का हिसाब राजस्थान की जनता चुकता करे। सर, जोधपुर दिल्ली रेलगाड़ी कब तक चल जाएगी? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, इसका टाइम टेबल अनाउंस हो गया है।